हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में अपीयर हो रहे हैं। अब जब रिजल्ट आता है, हर साल देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर थे उनका या तो कंपार्टमेंट आ गया, या तो उनके नंबर ठीक नहीं आए, और या तो वो एक या एक से अधिक विषयों में फेल हो गए। इस तरीके से तीन कैटेगरीज सीबीएसई में जन्म लेती हैं। वे बच्चे जो ज़्यादा विषयों में फेल हुए हैं, फिर से सारे सब्जेक्ट की परीक्षा देते हैं प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में। वे बच्चे जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, अगर क्लास टेंथ में दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो कंपार्टमेंट, और क्लास ट्वेल्थ में एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो कंपार्टमेंट की परीक्षा देते हैं, या जिनके नंबर कम रह जाते हैं और परसेंटेज ठीक ठाक नहीं होता, वो लोग इंप्रूवमेंट की परीक्षा देते हैं। इनमें से कई सारे बच्चे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बार बार परीक्षा देने के बावजूद अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंपार्टमेंट की परीक्षा दे रहे हैं वो फिर से फेल हो जाते हैं। जो बच्चे इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरे थे उनके नंबर नहीं बढ़े, और जो बच्चे प्राइवेट का एग्जाम दे रहे थे वो एक बार फिर से फेल हो गए। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इस पर गंभीरता से विचार करें तो हम ये देखेंगे कि जितने भी बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड्स, या जो भी मतलब इसके अलावा ओपन बोर्ड्स हैं, तो ओपन बोर्ड्स के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं बच्चों, लेकिन मैंने यूपी बोर्ड में पढ़ाया हुआ है, उसके बाद मैंने आईसीएसई और आईएससी के बच्चों को पढ़ाया, और अब मैं सीबीएसई बोर्ड में लेक्चरर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग हमने यूपी बोर्ड से ही की, स्टेट बोर्ड है और 50-60 लाख के करीब बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल, आपको पता ही होगा। उन बच्चों को मैंने पढ़ाया और सबका अनुभव है। मैं सबसे, अगर आपको मैं अपना कंक्लूजन बताऊं तो सबसे इजी बोर्ड इस टाइम पर पास करने के लिए सीबीएसई है। फिर ऐसा क्या है कि सीबीएसई में इतने बच्चे फेल हो जाते हैं? जो पैटर्न है इवैल्यूएशन का, अगर आप उसको समझ लें कि कॉपी किस तरीके से चेक होती है, तो आपकी समझ में बात आएगी। अब अगर आपके स्कूल में कोई टीचर है जो जिसने कॉपी चेक की हो, या कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर जिन्होंने बताया है, इसके बारे में शेयर किया है, अगर आप उनकी 10-5 वीडियोस देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपकी आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए थी। देखो बच्चों, गलतियां तीन स्तर पर होती हैं और इसी वजह से बच्चे एक बार नहीं बार बार फेल होते हैं। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कई बार इंप्रूवमेंट का या कई इंप्रूवमेंट का एग्जाम तो खैर एक ही बार देने का मौका मिलता है, कई बार प्राइवेट का फॉर्म भरते हैं और फेल हो जाते हैं। कई सारे बच्चे पहला कंपार्टमेंट नहीं क्रॉस कर पाए, दूसरा नहीं कर पाए, तीसरे का चांस मिलता है, तीसरे के बाद में अगर नहीं कर पाते तो प्राइवेट एग्जाम उनको देना पड़ता है। तो ऐसी क्या बात है जो आपकी समझ में नहीं आई? बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं और आप पास नहीं हो पा रहे हो। तो जो तीन बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, आसानी से पास हो जाएंगे, नंबर भी आपके आ जाएंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख करके जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम और मनी बचा सकता है। देखो, पहली चीज़, जो पहला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको उस सिलेबस में क्या और कैसे पूछा जाता है ये समझना होगा। आपने सिलेबस को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, उन टॉपिक्स पे भाई टॉपिक्स तो उतने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर है, उस चैप्टर में 10 टॉपिक हैं और उन्हीं 10 पर क्वेश्चन आएगा, और हर साल उन्हीं 10 में से कोई एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक उठा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ऐसा होता है। तो ऐसा क्या है उस टॉपिक में कि उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आया है और आप नहीं कर पा रहे हो? कहने का मतलब है कि एक टॉपिक को एक तरीके से पढ़ने की बजाय उसको इस तरीके से पढ़ो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप अटेम्प्ट कर ले जाओ। तो टॉपिक पढ़ने की बजाय, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बजाय, आपका फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि जो चीज़ हमने पढ़ा है वो हम इस तरीके से पढ़ें कि चाहे कान इस तरफ से पकड़े, चाहे कान इस तरफ से पकड़े या नाक पकड़े, मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछे, शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, वेरी शॉर्ट में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, घुमा के पूछे, सीधा पूछे, स्किल बेस्ड बना करके पूछे, उसका उत्तर दे लो। एकेडमी प्रोडजी, द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट 23 जनवरी को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फॉर क्लास 7 टू 12 आईआईटी जेईई नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। ये एक घंटे का फ्री मॉक टेस्ट 29 जनवरी तथा 6 और 13 फरवरी को भी कंडक्ट होगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप और मैकबुक, आईफोन, अमेजॉन इको जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स जीतने का। साथ ही आप एजुकेशन फॉर लाइफ भी जीत सकते हैं, जिसमें आपको 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट मिलेगा आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आप अपनी रैंक और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही अनएकेडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर, 12 मंथ्स और अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ्स और अबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, मेरा कोड GEA यूज करके एनरोल करें फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स, अनएकेडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। कैसे कर पाओगे?
ऐसा तब होगा जब गहराई में जाकर के उस टॉपिक को पढ़ोगे, समझोगे। मैं कह रहा हूं एक टॉपिक एक बार समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके टॉपिक समझ में आना चाहिए। उसके बाद 6-7-8 वीडियोस देखो लोगों की, जितनी बार तुम देखोगे ना उतनी बार तुम कुछ नया सीखोगे, क्योंकि 10 लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजें करके नई नई बताई होंगी। अब आप कह रहे होगे कि सर कह रहे हैं कि वीडियो देखो, तुम वीडियो ना भी देखो ठीक है, तुम उसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर तुमको वीडियो नहीं देखना, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लो, सॉल्व पेपर तो आपके पास में होगा ही, उनको देखोगे तब पता चलेगा कि भैया थर्मोडायनेमिक्स का ये चैप्टर है या रिलेशन एंड फंक्शन का ये टॉपिक है, इस पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन हर बार पूछा जाता है, रिप्रोडक्शन में क्या नया पूछ लेंगे, वही तो पूछेंगे भाई। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हर बार पूछा जाता है, ह्यूमन हेल्थ में 2-4-5 डिजीज आपने पढ़ा है, उसी में से क्या नया पूछेंगे। उसको ढूंढना है कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं कैसे घुमा घुमा के लोग पूछ रहे हैं, इसको समझना है। अगर आप ये समझ गए तो 50% बैटल आपने जीत लिया। दूसरी चीज कि जो आप पढ़ के गए हैं, जिस तरीके से कॉपी में लिखा है, जिस तरीके से बुक में लिखा है, आप एग्जैक्टली वहां उस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लंबी लंबी चीजें हैं, थ्योरेटिकल हैं, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो वहां आपकी खुद की शैली रहेगी भाई। जो कुछ पढ़ करके गए आप रट्टा मार करके तो जाते नहीं होंगे, और रट्टा मारने वाले पास भी नहीं हो सकते। रट्टा मार करके गए, क्वेश्चन दूसरे तरीके का आ गया, तो आपको क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना होगा, डिजाइन करना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो लिखोगे कैसे। जो पढ़ के गए हो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना है, लिखना है। तो पढ़ के गए इतना, मान लिया आपने लॉन्ग आंसर में कोई क्वेश्चन तैयार किया और आंसर छोटा सा आया, तो क्या निकाल करके रखोगे वहां पे, कौन सी इंफॉर्मेशन दोगे ताकि आपको नंबर मिल जाए, आपको ये सीखना होगा। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं देख रहा है, उसने आपके साथ 10-5 घंटे का टाइम नहीं बिताया है, 10-20 रोज रहा नहीं है कि आपके स्कूल के टीचर हैं, कि उन्होंने 2 साल देखा है कि बच्चा बढ़िया है, किसी वजह से नहीं लिख पाया, चलो 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। नहीं, वो आपकी कॉपी देख रहा है और मुश्किल से 10-15 मिनट देखेगा आपकी कॉपी, उसी में आपको जज कर रहा है। तो जो आपने आंसर लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट रिफ्लेक्ट्स योर एटीट्यूड। योर आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी आप कर रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितना बढ़िया आप लिखोगे, अब बढ़िया में क्या आता है, लिखने का तरीका, जो एग्जामिनर ने पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो सिंपल से लैंग्वेज में आपने 2 लाइन में लिख दिया, नंबर मिल गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे पढ़ करके गए, उन्हें लिखना भी आता है, एक माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। कमेंट करके बताना क्या ये आप पे लागू हुआ था या नहीं। वो गलती ये है बच्चों कि आप गए, आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आंसर देना शुरू किया, और बीच में आपको ऐसा एहसास हुआ कि भैया ये आंसर सही नहीं आ रहा है, जो मैं सॉल्व कर रहा हूं सही सॉल्व नहीं हो रहा है, या जो मुझे लिखना चाहिए था वो मुझे भूल गया। अब आप उसी पर ट्राई करते हो, फिर से ट्राई करते हो, फिर से ट्राई करते हो, आपके ईगो को हर्ट कर जाता है कि अरे यही क्वेश्चन तो कल हमने तैयार किया था, अभी रात में पढ़ा है, पूरा अच्छे से तैयार था, अब क्यों नहीं लग रहा है। और आप बार बार ट्राई करते हो, और चूंकि जो चीज दिमाग से स्लिप कर गई तुरंत वापस नहीं आने वाली है, 20 मिनट बाद आ जाएगी, 15 मिनट बाद आ जाएगी, 5 मिनट बाद आ जाएगी, तुरंत कितना भी कोशिश करोगे तो नहीं आएगी। जैसे तुम कोई बात भूल जाते हो और बहुत सोचते हो, तुरंत बात समझ में नहीं आती, 5 मिनट बाद आ जाती है। तो जब तुमको मिस हो गई वो लाइन, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ो, आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन आता है उसको करो। अब बहुत सारे बच्चे उसी में फंसते हैं, उस क्वेश्चन पे बार बार हिट करते हैं, ट्राई करते हैं, सॉल्व नहीं होता है, और इस तरीके से वो बच्चे डिप्रेस होने लगते हैं। एक क्वेश्चन में डिप्रेशन बढ़ा, अगला क्वेश्चन फिर से उनसे गलती हो जाती है, कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो उनको नहीं आता था, और जैसे 2 या 3 क्वेश्चन में ऐसा होता है, सारा कॉन्फिडेंस डाउन, और जो कुछ भी पढ़ के आए थे सब कुछ भूल गया, पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया। अब जितनी चीजें उन्होंने क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम सोची थी कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, टिक लगाया था, उन सारे का आंसर भूल जाता है। एक बार आप अटके, 2 बार अटके, 3री बार अटके, तो सारी चीज साफ। और ज्यादातर बच्चे इसी में फेल होते हैं। हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हैं, और उनमें ज्यादातर बच्चे, 60% से ज्यादा बच्चे इसी वजह से फेल हुए, क्योंकि वो भूल गए उन्हें क्या लिखना था, उस टाइम पर याद नहीं रहा जब उन्हें लिखने की बारी आई। तो बच्चों अगर ये 3 चीजें आप सुधार ले जाओ तो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब सुधारोगे कैसे, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपकी 3 कमियों को बताया जिसकी वजह से आप फेल होते हो। आप ये बताओ कि आप इनको सुधारने के लिए क्या कर रहे हो, और आप में इन 3ों में से कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से आप फेल हुए। क्योंकि जब आप इस पर बात करोगे, जब आप इसको सुधारने की कोशिश करोगे, तो आप पास हो जाओगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।